आए। कहां से आए? कौन आए? Hey! टाइम क्या हो रहा है? आठ बज के 120 मिनट मैडम। दस बजे मैडम। टाइम है चौकी आने का? वेल मॉम, मैं गिर गया था, लग गई थी, इसलिए हो गया लेट इज द। मेरी सास खाती है 65 आम लेट इज द। कहाँ गिर गया था? क्या लग गई? मॉम, मैं बिस्तर पे गिर गया था, नींद लग गई। ठीक है, और मैं भी चला देती हूँ, निकल जाएगी। क्या मैडम? गोली चला दूंगी, जान निकल जाएगी। क्या मजे में आ रहे हो कतई है? नहीं चौकी हो रही, मजाक हो रहे हो? नहीं तुम्हारे मौसा की परचूनी की दुकान से, या फिर तुम्हारे जो है फूफा का आइसक्रीम पार्लर लग रहा कि कतई कपड़े झाड़ के मुंह उठा के चले आए जब मन किया? सॉरी ने घुसेड़ दूंगी मुंह में, एक नंबर का निकम्मा। वेल नालायक। वेल आलसी। वेल काम चोर। वेल थर्ड ग्रेड आदमी से। वेल मैं भी यही कह रहा था मैडम भैया से, है ना, कि बीच में घुस मत कतई, वरना उल्टा लटका के बेंत से लाल करूंगी एकदम। क्यों आए लेट? मेरा तो क्या है कि मेरे पास तो मैडम कोई साधन नहीं आने जाने का, तो मैं भैया के साथ ही आता जाता हूँ। तो मैं तो तैयार होके बहुत टाइम पहले से वेट कर रहा था भैया का, भैया बहुत लेट आए, तो फिर मैं भी लेट हो गया। ये जो भगवान ने दो दिए हैं, यो साधन नहीं तो क्या, यो भिंडी से चल के ना आ सके तू, बस में ना आ सके कतई। जो साधन चाहिए बिल्कुल तशरीफ के नीचे आराम से मुफ्त खोरी। अमिश्रा साहब का साला होगा तो अपने घर में ज्यादा है, आप ब्रेन भरा बादल बनने की कोशिश में हो रहा है, फोड़ के बरसा दूंगी यहीं। बहुत सही कहा मिस चौटाला आप। आए सर, कैसे आना हुआ सर? और यो जनाब कौन है आपके साथ? मिस चौटाला, पूना के पास एक जगह है जहाँ के ये सरपंच हैं। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते सरपंच जी, बताइए आपकी क्या सेवा कर सके हम लोग? वो क्या है मैडम, हमारा गांव है ना, हमारा गांव में एक बहुत पुराना प्राचीन टाइम का मतलब एंशंट एंशंट मंदिर है गणपति का। उसके अंदर एक गणपति की मूर्ति है। हाँ तो गणपति बप्पा का मंदिर है तो उसमें गणपति बप्पा जी की मूर्ति होगी ना, बजरंग बली जी की थोड़ी ना होगी। हाय। अरे बाबा एक तो कमाद है तू। क्या मैडम, वो मंदिर है ना उसके अंदर मूर्ति जो है उसके हाथ में इतना बड़ा 200 साल पुराना सोने का मोदक था, उसका चोरी हो गया है। नदी में रहती है, गांव में खेती है। गणपति पापा का मोदक चोरी हो गया? तभी आज गणपति मारे सपने में आए, यही कहने के लिए। देखिए सब गांव वालों की धार्मिक भावनाओं का मामला है। एंड मिस चौटाला, मंत्री जी ने मुझे खुद बुला के कहा कि ये केस मिस चौटाला खुद हैंडल करेंगी। मतलब ये कि ये ऑर्डर ऊपर से आए। सही कहा सर आपने, ऑर्डर वाकई में ऊपर से आया है। सरपंच जी आपको किसी पे शक है? अरे सर ये मारे ताऊ जी जरा डॉक्टर के पास है, काफी देर से मैं फोन ट्राई कर रही थी, मैं दो मिनट ले लूं जरा। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू थैंक यू। हमें बताइए, हमारा वो गांव का मंदिर का पुजारी जो है ना उसके ऊपर शक है। हाँ कुछ ना कुछ बोलो तो वो चोरी वो मंदिर का पुजारी ने, नहीं तो उसके मुर्गी ने किया है। मुर्गी ने? मुर्गी कैसे चोरी कर सकती है? अरे यार झाला कह रही तू, मुर्गी मतलब, मुर्गी मतलब बेटी बेटी। हाँ क्या मुर्गी की बेटी है? अरे मुर्गी की बेटी कैसी होएंगी? तो क्या मुर्गी का बेटा है? अरे नहीं रे बाबा, मुर्गी का नहीं पुजारी का। पुजारी का बेटा? अरे नहीं रे, वो पुजारी की बेटी है। तो मुर्गी किसकी है? अरे
मेरे को क्या मालूम, मैं बोलता है पुजारी की एक बेटी है। शादीशुदा है? अरे शादीशुदा होएगा तभी तो बेटी है ना। अच्छा, शादीशुदा भी है और एक बेटी भी है। पति क्या करता है उसका? किसका? पुजारी की बेटी का। अरे उसका शादी किधर हुआ है? अरे अभी तो आपने बोला कि वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है। अरे मैं बोला पुजारी की शादी हुई ली है और उसकी एक बेटी है, उन दोनों पे मेरे को शक है, पुजारी और उसकी मुलगी। फिर बात तो लेकिन वापस घूम के मुर्गी पे आ गई। एक मिनट के लिए मैं दूर गई तो यहाँ पोल्ट्री फार्म खोल लिया दोनों ने। सब सुन लिया है और सब समझ गई हूँ मैं सर। आप चिंता ना करें, मैं कल सवेरे ही पूना के लिए कूच करूंगी। और जिसने भी गणपति बप्पा का मोदक चुराया है वो चंद्रमुखी के हाथ से बच नहीं पाएगा। ओ बिल्लू, गुड वेदर। पर ऐसे घूमने फिरने का भी ना अपना अलग ही एक मजा है। पिकनिक पे नहीं जा रहे? केस सॉल्व करने जा रहे हैं। गला ना बांधूंगा तेरा। सॉरी मैडम। तू गुंडा है? सॉरी मैडम। ओ बिल्लू, मैं क्या बोलता हूँ मैडम कि ना ऐसे हमें ना रावणपुर से बार 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 अलग अलग केस सॉल्व करने के लिए निकलते रहना चाहिए। लो। अच्छा जी, क्यों ऐसा? नहीं मैडम, अलग अलग शहर में जाएंगे तो क्या पता किसी शहर में कोई अच्छी लड़की मिल जाए, मुझे मेरी उससे शादी हो जाए। लो। हाँ हाँ, नहीं क्या, लो क्यों भाई, अच्छी बात है। वैसे सामने जंगल आने वाला है, बाहू उतर जाइयो। जंगल में एक बढ़िया कबीला है, वहां से कबीलन पकड़ लियो। वरना तो देख भाई, पेड़ों में भी घनी हरियाली से कोई ना कोई बांदरी खींच लियो तू। नहीं मैडम, मैं अभी ना थोड़ा रुक के कर लूंगा शादी, मैंने सोचा है। वेल बिल्लू, गाड़ी चला थोड़ी फास्ट इस दा, ताकि हम जल्दी पहुंच जाए महाराष्ट्र इस दा। ओके भैया, ये लो। दो पहिए बल्लू क्या भैया, दो पहिए बल्लू। नहीं, नहीं, नहीं। अबे इतनी भी फास्ट नहीं चलानी है कि रास्ते का पता ना लगे। पर आप भी ना खामखा मुझ पे शक कर रही है मैडम, मैंने ना महाराज जाने का पूरा रास्ता अपने दिमाग में फीड कर लिया मैडम। और मैडम भूलने की बात तो अब है ही नहीं ना, क्योंकि मेरा तो इलाज हो गया, अब तो बिल्कुल। शर्मा जी, हमने सुना आपने लड़की की बात पक्की कर दी। अरे लड़का कहाँ का है, सही तो है ना, नहीं तो फिर। कुछ हुआ था क्या? सॉरी मैडम। उतर उतर नीचे, उतर। मैडम कोई दुकान है, कुछ पी लें क्या? आ जाओ भैया। ये क्या चीज है? ये नीरा है। नीरा हम लोग पी सकते हैं क्या? जैसे मन आते तो पी सकते हो। हाँ भाई, जरा है ना। नहीं, यहाँ की लोकल नेचुरल चीज है, यो पेट बढ़िया रहता है यो पीने से। और यो कम कर जरा, इसकी वजह से ना यो हो रहा है यो। भाऊ तीन ग्लास दिया। ओहो मैडम, क्या बात है, क्या बात है मैडम। मीठा है? चांगला है। वाहिला वाहिला। थैंक यू दादा। मैं चला लूं। चल चल चल। अब मैं रिलैक्स हूं। ओ बिल्लू, हाँ
Sorry, sorry. Yeah. Well, mom, what is the problem? Is the Delhi mein airport problem? Is the well, क्या हुआ is the गाड़ी के इंजन से क्यों निकल रहा है धुआं is the अबे चुप रहना यार इस दाग 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 कताई दग दगा दिए कताई दाग दिए इस दा बीच में इतनी देर में तातर के दिन आ गिन हमेशा ना मैडम पेट्रोल गाड़ी का फुल करा के चलना चाहिए हाय कार्बोरेटर में कचरा आया होगा मैडम रो गोपी बोनट खोल या शोर इज द लता रफीक शोर इज द कौन जा रहा है अबे खोल दिया ये बोनट ओपन ये तूने बोनट खोला है या अच्छा अब जरा डिक्की खोल फिर श्योर आप ऐसे बोलो ना डिक्की खोलनी है ओपन ये तूने डिक्की खोली हाँ या वाह वाह क्या डिक्की खोली मैं सोच रही हूँ इस बार जरा गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट करा के ऊपर तेरे पद्म भूषण दिलवाऊं थैंक्स मॉम आप मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं जी नहीं जी शर्मिंदा आप कहाँ शर्मिंदा तो हम हो रहे हैं लगातार नहीं जी मैं शर्मिंदा हूँ कहीं हो रही है भाई वेल घनी गर्म होगी गाड़ी पानी डालना पड़ेगा अपना गोपी देख जरा आसपास तालाब नदी झरना कुछ मिले तो पानी लेके आ वेल मॉम मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है बिल्लू को भेज देते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा मैडम वो मैं कभी अगर जंगल में गया और नदी तालाब ढूंढने और मेरी याददाश्त चली गई तो फिर मैं भूल के जंगल के अंदर निकल गया तो शेर चीता कोई मुझे उठा के ले गया ना तो फिर मैडम मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है तो चीता से फिर कौन जीता है नहीं नहीं मम्मी जी मेरे होते हुए आप पानी लेने जाएं मेरे तो शर्म की बात है मेरे लिए जी मैं लाता हूँ आराम से जाना भैया बल्ला 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 कहाँ रखूँ पानी ये सुरेखा हाँ? वो देख इतना नया शिकार आ रहा है कहाँ मिलेगा पानी हाँ बॉम्बलिया अब देख मैं कैसे उसे अपना शिकार बनाती है हाँ? सुरेखा हाँ? आस्ते बोल अगर उसने सुन लिया ना तो अपना हाथ से निकल जाएगा ए बॉम्बलिया हाँ? सुरेखा के हाथ से आज तक कोई निकला है नहीं तो ये झींगा क्या निकलेगा बराबर चल मजा चखाती उसको ओके गन्ने कैसे दिए 10 रुपए चेक है 10 रुपए चेक है पूरे कितने के 50 रुपए ये लो पैसे कम है पैसे कम है अब ठीक है ना क्या है ये लो थैंक यू खुश हो गया ज्यादा पैसे लेके मैडम थोड़ी देर ना वहां मुंह करके खड़ा हो जा पेड़ की तरफ प्लीज जा ओ बिल्लू चलो यहां से मैं कहता हूं चलो यहां से इस सुनसान Oh my gosh!
अबे यार कमाल हो गया यार, तो डेढ़ घंटा हो गया यो गोपी रह कहाँ गया यो? ओ बिल्लू पानी लेन गया था, इतनी देर कहाँ लग गई? हाँ मैडम मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है, गन्ना बहुत मीठा है। ऐसा है मजाक नहीं चल रही है, पास में घना जंगल है, कहीं वहां गलती से भटक गया हो ना तो जान भरा है वहां जंगल में। प्लीज मैडम ऐसा मत बोलिए ना मैडम, फिर मुझे भैया की बहुत फिक्र होने लगती है, कहीं उनको कुछ हो गया तो फिर। हाय हाय चल चल ढूंढना उसे, चल भैया भैया। ओ उषा बगीचे भैया, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो गया मैडम। भैया भैया लप्पी लूथरा जी का फोन है, बाहर आ जाओ भैया। भैया भैया बंदर है वो जो पेड़ पे चढ़ा होगा। बगल में खड़ी हूँ, कतई पर्दा फाड़ दिया। गोपी क्या क्या ऐसा क्या कहा अकेले? भैया गोपी 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 उठ भैया, गोपी गोपी गोपी, यार ये तो पानी मारने पे भी ना उठ रहा, क्या हो गया इसे? इस सबसे कुछ नहीं होगा मैडम, भैया को होश में कैसे लाना है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अब देखिए मैं इनके कान में ऐसा कुछ कहूंगा कि ये तुरंत होश में आ जाएंगे। अबे क्या बोल रहा है? हम लगता है भैया के साथ ना कोई बहुत खतरनाक सा कोई हादसा हुआ है। क्या हुआ गोपी? मम्मी जी मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, मेरी घड़ी चैन अंगूठी और पर्स लेके लूट के ले गए जी, लूट के ले गए। कौन कौन लूट के ले गए? फूट जल्दी मुंह से। वेल मॉम मैंने देखा एक लड़की लावनी कर रही है डांसेस दा, मैंने सोचा क्यों ना मार लूं एक में चांसेस दा, लेकिन वो लड़की और उसका साथी वो निकले लुटेरे इस दा, मेरा सामान और कपड़े ले गए पूरे के पूरे इस दा। अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, बेल डिजर्विंग हुआ। अबे तू गाड़ी जो गर्म हो रखी थी उसमें पानी डालने के लिए पानी खोजने गया था तू, या छोरी के संग कमर में टक्का करने गया तू? सॉरी सॉरी चल। हाँ मैडम अब तो वैसे भी बिना पानी के ही गाड़ी ठंडी हो गई होगी। yes! चलिए भैया फिर मंदिर भी तो चलना है। well, क्या मैं ऐसे जाऊंगा मंदिर इसदा, कच्चे बनाने में लग रहा हूँ एकदम बंदर इसदा। एक महीना स्पा में नहला दुल्हा के, दो महीना ब्यूटीशियन के पास बिठा के, थ्री पीस सूट पहना के, टैक्सीडो में भी तेना कहीं प्रेजेंट करेंगे ना तो भी लगना तेने बांदर ही है। यार अजीब एरिया है यो, यहाँ पुलिस वालों ने लूट लिया जावे तो कानून व्यवस्था कैसी चल रही? हट अब चल।